दोस्तों, भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और ना ही कभी मरते हैं। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ, तब उसके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ, उनका कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? आप देख रहे हैं वासुदेव दर्शन। मैं राजगोर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में कौन सा अंग नहीं जला, आइए जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही है। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुल्य है। भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं था। वे ही परम पिता परमात्मा है। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ था, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया है और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया। चूंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अंतर्गत और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी माँ शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही इस संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक को छोड़कर कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंध में मिलता है। मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण शुक्रदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परिषद को सुनाई गई थी। 11वें स्कंध में शुक्रदेव जी परिषद महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण के विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और उनते मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन जल बल घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता आदि में उन्हें पराजित नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी, उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गंधारी द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात
भगवान श्री कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक